हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके लेकर ना कुछ अलग ही थॉट्स में है। अलग ही इन द सेंस कि हाईली इनसिक्योर, अजीब सी घबराहट हो रही है। जैसे कि अगर एक्शन नहीं लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। बहुत बेचैनी सी हो रही है कि जैसे बार बार ना कोई डरा रहा है, कोई इनसिक्योर कर रहा है, मतलब अंदर की आवाज़, सोल वॉइस जिसे डरा रही है कि भाई वक्त गुजरते जा रहा है, कुछ तो करो, वैसी एनर्जी है, कुछ कहो, कुछ बोलो, एटलीस्ट रोक लो। इनकी सोल वॉइस हो या कोई दोस्त हो या कोई खास अपना हो या फिर अगर ये किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए तो कंसल्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से गाइडेंस है कि रोक लो उसको, वेरी एनर्जी है, कुछ करो, एक्शन लो। आपको अगर लग रहा है ना कि इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ है, यस, आपको ना ऐसे ही स्टेटस डीपी और ऐसी एनर्जी दिखती है इनकी तरफ से कि जैसे इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ है। और ये भी हो सकता है कि डीपी या स्टेटस इनके नहीं चेंज हो रहे, स्पेशली थर्ड पार्टी के चेंज हो रहे ऐसा लग रहा है। तो आपका जैसे ध्यान है ना, आपका नहीं, इनका ध्यान है ना उधर नहीं है, भले उधर साथ में है, इस मास्क की एनर्जी है, जैसे ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये जो दिखा रहे ना वो सच नहीं है। स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है, खुश है, आराम से है, ये है वो है, तो काफ़ी ज़्यादा झूठ है, क्योंकि ये इंसान वैसा नहीं है उनका, मतलब जैसे ना फोटो निकाल रहे हैं किसी और के साथ, बट उसका ध्यान है, ध्यान जैसे मन में कोई है वो आप हो। पिछले ना दो तीन दिनों से या 2-3 हफ्तों से, स्पेशली 2 दिनों से या 2 हफ्तों से, पता नहीं क्यों अचानक से एकदम अजीब एनर्जी फील हुई। पिछले 2 हफ्तों से या 2 दिनों से इनको ना अजीब सपने आ रहे हैं, बीच बीच में, इसने कि कंटिन्यूसली बीच बीच में अचानक से सपने आ रहे हैं। कभी सपने आते हैं कि कुछ छूट रहा है, जैसे आप दूर जा रहे हो, कहीं बस से दूर जा रहे हो तो ये बस छूट रही है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा वो पता नहीं है, या ट्रेन या कुछ फ्लाइट है, कुछ तो मतलब ऐसा लाइक दूर जा रहे हो, और ये अजीब से घबराहट से उठ रहे हैं। मतलब अचानक से नींद खुल जाती है या फिर अचानक से अजीब सी इनसिक्योरिटी हो रही है, जैसे ना आपको खो देंगे, ये इसे एनर्जी की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्पेशली ना जो गाइडेंस है, जैसे सोल वॉइस हो या स्पिरिचुअल गाइडेंस हो या कोई दोस्त है जो खास है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये बहुत विश्वास करते हैं वो पर्सन पे, रिलेटिव हो, मतलब जैसे मतलब कोई भाई है, कोई बहन है, जो खास तरह के वह होते हैं और जो सही सलाह देते हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा लगता है ना कि जैसे जाओ जाके बात करो या उसे रोक लो, ऐसी एनर्जी आ रही है, और इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में आ रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर
करना क्या है, एक्शन लेना है नहीं लेना. स्ट्रांगली आपकी तरफ से ना मूव ऑन की एनर्जी है, आपकी तरफ से मूव ऑन की एनर्जी है, क्योंकि आपने मतलब आप थक चुके हो, आप हार गए हो, ऐसे फीलिंग है. आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त किया, बट ऐसा लगा कि अभी जाने दो, जब ऊपर वाले के हवाले अभी नहीं हो पा रहे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनके लिए आप ना बहुत रोए हो, तड़पे हो, और ये बात इनको पता है. फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन जो भी है, मजबूरी हो या मजबूरी ही थी, डेफिनेटली मर्जी की एनर्जी कम आ रही है, मजबूरी की थी, लेकिन फिर भी अभी इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है ना कि यार मजबूरी अलग जगह है, बट जिस तरह से आपको तकलीफ़ हुई ना, वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी. वे जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, और इस सिचुएशन में अचानक से जैसे ब्लॉक होना, या अचानक से इन्होंने घोस्ट कर लेना, या अचानक से गायब हो जाना, अचानक से कहना कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत आपके लिए बहुत दर्दनाक था, और इस बात का एहसास है. सो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी एनर्जी है, शर्मिंदगी, रिग्रेट हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जैसे गाइडेंस तो अलग है, और सेकंडली अजीब से सपने आ रहे हैं, जैसे कुछ खो रहा है, कुछ छूट रहा है. स्पेशली ऐसा लगता है ना कि आपको खो देंगे, इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं. अगर ये किसी और के साथ आपको देख रहे हैं ना, डीपीज के टू स्टेटस, या सच में किसी के साथ देख लिया हो, या फिर पता नहीं क्यों ऐसा ना इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ रहे हैं कि जैसे किसी के साथ आपको इमेजिन कर लिया या सोच लिया, ये ख्यालों से ही परेशान हो गई. इन्हें से लगता है ना जैसे आप पर इन्हें, इनका हक है, हक, भले इन्होंने आपको वो हक दिया नहीं हो, उनके ऊपर का हक, बट आपके ऊपर इनका हक है ही है, जो भी हो, चाहे जो भी हो. आपकी तरफ से ना उनको बार बार मूव ऑन की एनर्जी फील हो रही है, और इस बात से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. स्पेशली अगर किसी और के साथ हो है, ऐसा फील हो रहा है ना, तो डेफिनेटली बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनसिक्योर हो रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है बहुत ज़्यादा. कहे तो क्या कहे, पॉसिबल है कि 11-11 पोर्टल के आसपास, 11-11 पोर्टल के आसपास, उससे पहले या उसके बाद में, इमीडिएट बाद में, एक जैसे दो दिन पहले, दो दिन बाद में, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़. एम हो सकता है इनिशियल इनका, वी है, जे है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू. पॉसिबल है ना कि ये जब आ रहे हैं ना, ये एक तो पहले तो आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं, कोई पसंदीदा चीज़, लाइक खाने की चीज़, लाइक स्पेशली चॉकलेट्स की एनर्जी है, चॉकलेट्स की एनर्जी है. और दूसरी चीज़ फील हो रही है ना कि आपका फेवरेट प्लेस, जो भी प्लेस आपका फेवरेट है इनके साथ वाला, वहाँ पे मिलने की ज़िद करेंगे, या फिर वहाँ पे लेके जाएंगे. ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेशल प्लेस, आपका फेवरेट प्लेस, वो स्पेशली नदी किनारा, समुंदर किनारा, सी साइड, लाइक ना बीच वगैरह हो सकता है. इमोशंस ओवरफ्लो होंगे जैसे ही आपको देखेंगे, इसे नीचे है.
ये पॉसिबल है इवन जब भी आपको देख रहे हैं ना, भले आपके सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन अगेन इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं। कुछ भी हो जाए, कितनी भी थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो या कुछ भी हो, इन्होंने अच्छे से छुपा के रखी है वो आपकी फ़ोटोज़। उसे बहुत ज़्यादा गहराई से देखी जाती है, बहुत ज़्यादा गहराई से। 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, 555 की एनर्जी है, अचानक से ये ट्रैवल करके टपक सकते हैं, यस टपक सकते हैं वाली एनर्जी है, या फिर अचानक से कॉल मैसेज टपक सकता है। ऐसे इनिशियल पी है, स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, स्पाइन की एनर्जी। आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस बहुत है, इनसिक्योर भी बहुत हो रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। या तो फेक अकाउंट के थ्रू, अगेन वही एनर्जी आ रही है, फेक अकाउंट के थ्रू या किसी के थ्रू आपके बारे में जाना जा रहा है। अगर बात हो रही है तो सामने से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन था, कौन थी, कहाँ थे। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ हैंड्स, एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली नहीं मान रही थी, पेरेंट्स का इशू था, या फिर फाइनेंशियल का इशू, जो भी है, फाइनेंसेस का इशू जो भी था, या फिर ये मैरिड पर्सन है, या फिर ये आप मैरिड है, जो भी है, तो मैरिज, फैमिली, ये कंसर्न हो सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि चीज़ें बदल गई है, आपके साथ बिताए पल बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा। अगेन जैसे फील हुआ, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा चॉकलेट्स और स्पेशली आपकी कोई फेवरेट प्लेस उधर ही, वो जाने की इच्छा। टावर सिचुएशन फेस करने के बाद ही इंसान अपनी होश में आया है, होश में आया है, क्योंकि अभी वक्त बदल गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक साथ नहीं दे रहा है, तो जब चीज़ें बदल रही है तो आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपना चाहिए, जो लक है ना वो चाहिए चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं, ऐसा फील हो रहा है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किए हुए है, दर्द होता है, गुस्सा आ रहा है, किसी मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब इनके बारे में सोच रहे हैं या किसी और के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच सोच के ही तकलीफ भी हो रही है, जलन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ऐसे फीलिंग आती है। बट वही गुस्सा, ऐसा फील हो रहा है ना कि वही जलन बढ़ते जा रही है, वो चीज़ उनकी तरफ से एक्शन करवाएगा। ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपके लिए, जैसे ये आपको ना जाने नहीं देंगे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, या नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कुछ भी हो जाए, आगे क्या होगा पता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, या मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सो आपकी अहमियत तो समझ में आ रही है, लेकिन एक्शन लेने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और जैसे फील हुआ कि 11-11 पोर्टल के आसपास की एनर्जी फील हो रही है, या सिर्फ जो अभी आपको दिया नहीं है, आपका हक हो या आपका साथ हो, वो आपको प्यार हो, आपके हिस्से का, आपके हक का प्यार देना चाहता, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। और अगेन गाइडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनके लिए। okay. तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe.